सो हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। एंड गाइस आई एम सॉरी, मुझे पता है यार आप लोग यार बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं इस वीडियो को और मैं भी यार बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। तो इसकी दो रीज़न थी। सबसे पहली, मैं तो यार टेस्ट कर रहा था जो चीज़ मैंने परचेस की है, ये कीबोर्ड के बारे में आज वीडियो है ना यार, आप इसीलिए मैं वीडियो को क्लिक किया, ये कीबोर्ड को देखने के लिए मैकेनिकल। तो सबसे पहली बात है कि भाई मैं इसको टेस्ट कर रहा था और लगभग 10 से 15 दिन हो चुके हैं इसको मैं जो यूज़ करते हुए, और मैंने इसमें जितना एक्सपेरिमेंट था सब कर दिया। और दूसरा चीज़ ये था कि मैं बहुत ज़्यादा अस्कतिया गया था, उसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो ये दो रीज़न थी जो मैंने आपको बता दी। तो हम लोग इसके ऊपर पहले बात करना स्टार्ट करें, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं अपनी परंपरा को निभा लेते हैं अनबॉक्सिंग की। थोड़ी देर के लिए बन जाता है टेक्निकल गुरुजी और अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे इसके सारी चीज़ें बता देता हूँ। गाइस अनबॉक्सिंग से पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो जो चीज़ मेरे पास पहले था। आप जैसे देख पा रहे ये कीबोर्ड मैं उतना दिन से यूज़ कर रहा था। आई नो ये कीबोर्ड गेमिंग के लिए नहीं है, बट हाँ मैं चला रहा था। और ये मेरे पास एक गेमिंग माउस है, ये तो भाई ट्रूली गेमिंग माउस है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये मेरे पास था एक छोटी सी मॉनिटर और एक गेमिंग पीस, इसकी भी डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई, चाहो तो जाकर देख सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, चैनल में भी पड़ी हुई है। बट मैंने आप लोगों से बोला था कि भाई मैंने ऑर्डर कर दिया है कि गेमिंग कीबोर्ड, मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड, तो फाइनली वो यार आ चुका है। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ मैं। हाँ पैकेज भी जैसे बड़ा लग रहा है, क्योंकि अंदर का पता नहीं मटेरियल कैसा होगा। अनबॉक्सिंग करना आप लोगों के सामने बहुत ज़रूरी है प्रूफ तौर पर कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा सामान। अमेज़ॉन में आजकल कुछ घपला भी चल रहा है, जब से फेस्टिवल आती है ना, ग्रेट इंडियन सेल आती है, तो उसमें तो बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो इस टाइप की हम लोग फाड़ देते हैं गाइस यहाँ पे। एंड मैकेनिकल की तो आवाज़ आपको पता ही है किस टाइप की होती है, तो सारा पैसा मैकेनिकल का ही है यार इसमें, और कोई नहीं बात है, ठीक है। तो हम लोग इसको निकालते हैं एंड इसको हम लोग फाड़ते हैं। ओके गाइस, इसको हम लोग फाड़ लिए हैं, इससे हम लोग को निकाल दिया, अभी तो आपको पता चली गया वो क्या है। बट एनीवेज यार ये क्या निकल रहा है यार, ये क्या आ गया यार, पता नहीं ये क्या है, बट एनीवेज चलो। और इसका बिल आना चाहिए था, बिल तो बिल नहीं यार इसका, फिर बाद में देखना पड़ेगा, इसका बिल नहीं दिया पता नहीं, लेकिन ये क्या चीज़ दे दिया इस, ये बिल की जगह ये दे दिया, आई डोंट नो क्या है। बट जिन लोगों को पता होगा तो भाई ये कौन सा कीबोर्ड है, कॉस्मिक बाइट। आपको पता होगा मेरी हेडफोन वाली वीडियो में भी कि भाई कुछ बॉक्स पैकेजिंग थोड़ी सी इशू हो गई थी, सेम चीज़ इससे भी मेरे साथ घट गई है, देख लो। इससे भी सेम चीज़ हुई है, आप जैसे कि देख पा रही, ये कुछ इस टाइप की है, बॉक्स में आई है। आई नो बहुत लोगों को पता चलेगा कि कौन सी कीबोर्ड है कौन सी नहीं है, बट हाँ जिन लोगों को नहीं पता मैं आपको यहाँ पे कुछ फीचर्स बता देना चाहता हूँ। कॉस्मिक बाइक की ब्रांडिंग, मतलब ये ब्रांडेड है, फुल साइज़ कीबोर्ड है, मतलब आपको नम पैड और सारे चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ये मतलब 60% कीबोर्ड था, ये फुल साइज कीबोर्ड यहाँ पे मिलता है, मैकेनिकल कीबोर्ड है, और यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे बताए गए। ब्लू स्विचेस यूज़ किए हैं, बट हाँ ये याद रखना चेरी एमएक्स ब्लू स्विचेस नहीं यूज़ किए गए, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। और इधर मैं बता देना चाहता हूँ बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें आप चाहो तो पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, बट मुझे सब्र नहीं हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ जल्दी से इसका सील ब्रेक करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे सील लगा हुआ है, तो इसका मतलब भाई कम से कम भाई सील तो ब्रेक नहीं किया हुआ है। तो चलो ये बात तो हम लोग को सही है कि सील ब्रेक नहीं किया हुआ है। अब हम लोग इसको ओपन करते हैं, क्योंकि भाई इसको ओपन करने का ना मज़ा ही कुछ और है मैकेनिकल कीबोर्ड का। चलो इसको हम लोग जल्दी से निकालते हैं, पीछे से इसको निकालते हैं। अरे यार निकल जा यार, ओके 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 ओके, अब तो निकलने वाला बारी आ ही गया गाइस। ओके ओके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जस्ट वेट गाइस। तो यहाँ पे आपको मिली है कुछ यूज़र मैनुअल, एंड बहुत लोग यार इसको बोलते हैं कि भाई वायर मैनेजमेंट, बहुत लोग मैंने सुना है यूट्यूब में वीडियो देखा कि वायर मैनेजमेंट इसको कहते हैं, बट नहीं, ये होती है कीज़ निकालने के लिए, जो हम एज ए फंसा करके इसको कीज़ निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैकेनिकल आ चुके हैं, मैकेनिकल में कीज़ निकलती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बुकलेट, इसकी बहुत यार बुकलेट को आप हाथ में अगर पकड़िएगा ना तो समझ में आ जाएगा कि भाई एकदम बेकार क्वालिटी है। एनीवेज कोई ना, अब हम लोग यार इसको निकालते हैं, मेन चीज़ निकालते हैं। क्लिकिंग की साउंड तो मुझे अभी से ही आने लगी भाई, मज़ा आ रहा है क्लिकिंग की साउंड सुन के। तो कुछ इस टाइप की यहाँ पे फोम है, एंड ये फोम है, एंड इसको अब हम लोग निकालते हैं, अच्छे तरीके से निकालते हैं। एंड भाई पैसा सारा इसी का, कीबोर्ड का मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। ओके 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 ओके, ओहो ओहो ओहो, भाई देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा रहा है। यहाँ पे पूरी आपको फिनिश बहुत अच्छी देखने के लिए मिलती है, यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट भी देखने के लिए मिलती है, इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ग्रिप दी गई है, यहाँ पे चारों जगह में ग्रिप दी गई है। एंड यहाँ पे आए तो देख सकते हैं, यहाँ पे अभी मैं ऑन करके दिखाऊंगा गाइस, पीसी इसीलिए ऑन किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल साइज कीबोर्ड है, एंड यहाँ पे देख सकते हैं पूरी क्रोम की फिनिश यहाँ पे साइड में दी गई है, और सिल्वर कलर की एक लाइन दी गई है जो बहुत ही अमेजिंग लुक आ रही है। एंड आवाज़ तो भाई
करियर एक्सक्लूसिव स्विचेस नहीं है तब भी, और उसी की तरह 90% आपको प्रोवाइड कर रहा है। एंड इसकी भी यूजेस देख लेते हैं, तो चलो इसको निकाल लेते हैं। कुछ इस टाइप का यहाँ पे निकाला जाता है, आई थिंक, मुझे उतना तो पता नहीं है कि कैसे निकालते हैं, बट हाँ इसको निकाला जाता है। मुझे नहीं पता कि भाई कैसे निकालते हैं, बट हाँ सीखना पड़ेगा उसके बारे में भी। ओके, तो ये इस टाइप की यहाँ पे निकल जाती है। अब भाई मैंने तोड़ा नहीं, बहुत लोग बोलेंगे भाई तुमने तोड़ दिया, तो मैंने तोड़ा नहीं है, मैंने यार इसको निकाली है, कुछ इस टाइप की निकल जाती दिया ही इसी के लिए गया कि ये निकल जाए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ये, देख रहे हैं यही चीज़ है ये। अब हमको इसको लगा देना है वापस से, एंड इसको हम लोग बस लगाने का प्रोसेस भी सिंपल एक ही है, बस को ऐसे करो, बस लग गया, बस हो गया फिनिश, देख लो अच्छे से बैठ भी गया यहाँ पे, हल्का सा मैंने रखा और बैठ गया। और हम लोग वायर की क्वालिटी की बात करें तो ब्रेडेड केबल नहीं है ये, आपको कंजूसी की गई है, यहाँ पे ब्रेडेड केबल नहीं है, जैसे कि इस सब में ब्रेडेड केबल दी गई है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं। मेरी हेडफोन में भी बाय द वे ब्रेडेड केबल दी गई है, मैं आपको शो करता हूँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ये ब्रेडेड केबल है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, फोकस फोकस ओके, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ठीक है। और मेरी इसमें अगर हम लोग बात करें, इसमें ब्रेडेड केबल नहीं दी गई है, प्राइस कट ऑफ की गई है इससे, और यहाँ पे गोल्ड प्लेटेड दी गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये गोल्ड प्लेटेड यूएसबी है। तो एनीवेज अब हम लोग टाइम आ चुका है इसको चालू करने का, तो चलो इसका लाइटिंग देखते हैं। बहुत है, सुने हैं कि भाई आरजीबी लाइटिंग बहुत अच्छी होती है ये सब में, तो आरजीबी लाइटिंग का मज़ा ले लेते हैं एंड इसको निकाल लेते हैं एंड आरजीबी लाइटिंग का मज़ा लेते हैं हम लोग यहाँ पे भाई। लेकिन हाँ ब्रेडेड केबल नहीं है, बट हाँ केबल की क्वालिटी अच्छी है, मोटी है, दिखने में लगता है कि हाँ ओके 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 ओके। चलो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ इस टाइप की फॉर्मेट में ये सेट आई हुई है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे सेट करनी पड़ती है। ये मैनुअल इसी के लिए दिएगी आप आरजीबी कंट्रोल कर पाएँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे, तो बहुत ही अच्छी है। अब हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि इसको आरजीबी कैसे कंट्रोल किया जाता है, और ये इसमें पूरा बता देगा कि किस टाइप की कंट्रोल की जाती है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे। अब मैंने यहाँ पे कुछ पढ़ा और समझा, तो ये बुकलेट बहुत ही काम की चीज़ है, इससे आपको समझ में आती है। तो मैंने लाइट ऑफ इसलिए की है क्योंकि मैं आपको इसमें लाइट दिखा पाऊँ, तभी मैंने कुछ इस टाइप की मतलब कि सेट की हुई कि जो मैं कीज दबाऊंगा सिर्फ वही की ग्लो करी, जैसे आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे कि वही की ग्लो कर रही है जो मैं दबा रहा हूँ ठीक है। आपको बस क्या करना होगा, फंक्शन में क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे आपको करना होगा इसमें क्लिक करना होगा ठीक है। जैसे आप इसमें क्लिक कर दोगे तो ये सब अपने चेंज होने लगेगी, आपको यहाँ पे बहुत सारी फंक्शन देखने के लिए मिल जाती है। आप जैसे देख पा रहे कुछ इस टाइप की साइकिल हो रही है, फिर हम लोग एक और चेंज करेंगे इसमें तो आपको कुछ इस टाइप की फंक्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस टाइप की यहाँ यहाँ सबसे दी गई है जो मुझे बहुत ही कमाल की लगी है, मैकेनिकल फील तो आ ही रहा है, मैकेनिकल कीबोर्ड है और ये लाइट भी बहुत ही कमाल की है। एंड हम लोग नेक्स्ट करते हैं तो कुछ इस टाइप की लाइट भी आपको इफेक्ट देखने के लिए मिल जाती है। ये यार जनरली क्या होता है, आप जो डेस्क में रखोगे तो ये ऐसा लाइट कर दोगे तो बहुत ही खूबसूरत देखने के लिए मिलती है। अब मैं एक और चेंज करता हूँ तो आप देख सकती है साइकिल हो रहा है, लाइन बाय लाइन होते चले जा रहे, तो ये भी बहुत ही कमाल की बात है, ये भी बहुत ही अच्छी। फिर एक और चेंज करता हूँ मैं तो ऐसे साइकिल होगा नीचे से गोल गोल घूमेगा। ओके, तो इस टाइप की यहाँ पे फंक्शन दी गई है। एंड अब ये वाली मुझे बहुत कमाल की लगती है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जैसे कि मैं जो की दबाऊंगा उसे से ग्लो करेगा, जैसे देख रहे हो ये कुछ मजेदार टाइप के होते हैं। ओहो 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 मजेदार यार, मजा आ गया। ओके ओके, यहाँ पे मैं की दबाऊंगा जैसे फ्लैट जैसा निकलता है, एकदम बहुत ही कमाल का लुक आती है, फिर भी बहुत ही कमाल की। ओके, जैसे कि देख पा रहे हो, ओहो 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 भाई, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, अब एक और होनी चाहिए कुछ इस टाइप की एंड एक ये टाइप की, मतलब बहुत सारी है, मैंने सोचा नहीं तो इतनी भी मिल जाएगी। और ये फाइनल है जो ये फुल है, तो आपको कुछ इस टाइप की यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो आप नीचे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी, आपको यार कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना, मुझे तो यार बहुत अच्छी लगी, यार मुझे बहुत अच्छी लगी, आप यार नीचे कमेंट करके बता देना। ओके, तो मुझे यार आशा करता हूँ कि आपको ये कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग अच्छी लगेगी, तो चलो।